गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम भाई सारा ना है। और अभी हम हैं उदयपुर होटल में, पांचवी मंजिल पे। और आप व्यू देखो, बैक कैमरे से दिखाऊं यार। देखो आप पहले ना, आप इंस्टा पर एक्टिव रह गए करो। रात को स्टोरी डाली थी भाई ने, मैंने तो नहीं डाली, डाल दूंगा आज। बाकी व्यू बढ़िया, एंजॉय करते हैं। अपने चलते हैं सिटी मार्केट। सिटी मार्केट नहीं तो, सिटी पैलेस। अच्छा सिटी पैलेस आगे। सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई, मेरी जुबान टूट गई भाई। मेरी जुबान टूट गई, बात नहीं छिक्के नशा कर ली। कम नशा करे, अगर बारह आवे नशा करने वास्ते मन लागे। ये देखो भाई, उदयपुर व्यू तो बढ़िया आ रहा है, एक नंबर यार। ऑन टॉप में तो उन्होंने मानसा स्कैम कर दिया। रात को सोए पहाड़ों में, उठे नाली में फीलिंग आ रही थी जन्नत में सो रहे हैं, और सुबह उठे तो नाले में आग खुली। मैं बताऊँ कर, मैं बताता हूँ, देखो मेरे साथ कैसे फ़ोन पकड़ी भाई। मैं सुबह उठा, ठीक है, और सुबह उठते ही नींद में था, मैं कच्ची नींद में। मैं ऐसे आया, बाहर निकला रूम से, आगे देखा नाला, वापस जाके और सो गया मैं। तो बस भाई, इस नाले में कौन जाएगा बाहर। पर चलो ठीक है, कल तो ऐसे लग ही नहीं रहा था। माउंट आबू में भी घूमने निकले हैं, बुरा हाल हो गया गर्मी में भी। वहाँ पहाड़ों में उमस भी ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पे ना वेदर भी ठीक है, उमस नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ना झीलों का शहर कहते हैं, आपको पता है उदयपुर का। और यहाँ पे चारों तरफ जैसे झील है, तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, 7 झील है यहाँ पे, उनमें पानी पुनी रहता है। तो यहाँ पे जलवायु ठंडी रहती है। रात को आप वहाँ गए थे यार? रात को गए थे आप कहाँ पे गए थे? वो जो टॉप पे वहाँ पे तो नहीं, उसके नीचे है ना जो। रात को हम गए थे उस जगह पे, वहाँ पे झील है फतेह सागर झील। वैसे तो ना फतेह सागर झील ही देखने वाली है, सबसे बड़ी झील वही है, राजस्थान की भी सबसे बड़ी झील है, मतलब शहर में। इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। बाकी वैसे पिचोला लेक भी है, सुना होगा आपने, पिचोला लेक को ज़्यादा जानते हैं लोग। लेकिन वो क्या, उसकी टाइमिंग है देखने की, वो शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, और सुबह 9-10 बजे स्टार्ट, 10 बजे जा सकते हैं आप। तो अभी तो हम सिटी पैलेस जा रहे हैं। इंस्टा पर भी एक्टिव हो आप? हाँ भाई, इंस्टाग्राम यार ये क्यों दिखे बार बार? इंस्टाग्राम पे एक्टिव रख रहे हो यार। अगली अपडेट जैसे ट्रिप की अपडेट है ना सारी, हम और चैनल की भी काफी अपडेट, जैसे हम कब लाइव आएंगे। व्लॉग देख दो, पीछे चल रहे हैं। व्लॉग तो अभी अपलोड होंगे धीरे धीरे, लेकिन हम कहाँ पे है क्या कर रहे हैं सारी इंस्टाग्राम पे आपको मिल रही है रिपोर्ट सारी। आप एक्टिव रहो, सब्सक्राइब कर लो, जो वीडियो देखोगे उसके हर वीडियो के चैनल में क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, भाई का भी। क्या यूट्यूबर बनोगे ना ये? भाई यार जुबान फिसल जाती है, क्या करूँ। अरे ये भारी भारी अक्षर है ना, बड़े बड़े अक्षर कई बार बोले। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो हमें। जय श्री राम। निकलते हैं अभी जल्दी से, तैयार तो हो गया मैं। भाई ज़्यादा सुंदर लग रहा है, रीस ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, बताओ कमेंट में बता देना, ठीक है। सिटी पैलेस में ये पीछे लेक है, और अपने भाई को कुछ भी कह दो ये मानता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है हॉर्न नहीं बजाने। तो मैं सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं गाड़ी चलाऊँ या बोर्ड देख सकूँ, एक ही काम हो गया तो बोर्ड। भाई बोर्ड जो गाड़ी चला रहा है वही देखेगा, और कौन देखेगा। दीज आर रिश्तेदार। अंग्रेज ने जाके बोलो के डंग रिश्तेदार है। और रिश्तेदारों और रिश्तेदारों का दया। अब मेरे को पता लग गया कि उदयपुर में पहले जब राजा जी के टाइम में यहाँ पे कोई युद्ध क्यों नहीं लड़ा, और जो लड़े वो हार क्यों गए, क्योंकि भाई चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, वो सैनिक चढ़ते चढ़ते थक जाते थे, आगे जाके लड़ाई किससे हो, है ना भाई। वो भाई एक बात पूछ रहा हूँ मैं, कि महाराणा प्रताप राजा जी जब यहाँ से निकलते थे रथ लेके, उनकी भी टिकट कटती थी क्या? बिल्कुल कटती थी, है 350 रुपये तो, 450 रुपये तो है कटती थी। ये बंदा है ना जो वो है ना,
वो राजा जी का जो प्रोग्राम होता था ना यहाँ पर डीजे बजाया करता था, यो यो हनी सिंह वाला। तो सिटी पैलेस के अंदर आ गए हैं चाय नाश्ता करके, सारा यार स्मेल आ रही है यहाँ तक। ये घोड़े तभी तक जिंदा ही है क्या? अभी तक सारे मर लिए हैं ये घोड़े, अभी तक जिंदा ही हैं। तीन घोड़े हैं ये रहे हैं, बाकी सारा काम हम नक्की कर दिया। एक तो घोड़ा है, बाकी किसी को पता लग रहा घोड़ा है घोड़ी है कुछ तो है। ये अपने प्रदीप भाई का कच्चा है। कच्चा नहीं है ये, है ये सैनिकों की पैंट है, ये शादियों में पहना करते थे। ये है मच्छरदानी, सैनिकों को रात को मच्छर नहीं खाए इसलिए ये पहन के सोते थे। पहनने के बाद ऐसे देखते हैं, देख लो घोड़ों की भी मच्छरदानी है, सभी की मच्छरदानी है। घोड़ों के सूंड भी लग गया है, ये हाथी प्रजाति के घोड़े हैं। यहाँ से पता लग जाता था कोई पड़ोसी राजा आक्रमण कर रहा है इस साइड से, इस साइड से कर रहा था, इस साइड से गोली मार दी। गली में क्रांत था वहाँ, उस गली जाते थे यहाँ से बड़ी ठोक देते। सिस्टम देखो, प्रजा देखो, हाथ जोड़ के बैठ रहती प्रजा एक दूसरा का। ये हल्दी घाटी की मिट्टी, हल्दी घाटी की मिट्टी है। हाँ ये देखें, इसने ऐसे क्या है अभी यहाँ पे रख रखी इसको, क्या तो भैया देख लो यहाँ पे हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था उसकी वजह से रखी हुई है। हाँ पर वो मिट्टी तो कह रहे लाल है, ये तो सिल्वर मिट्टी है। लाल नहीं है तो ये हल्दी कलर की है। अच्छा हल्दी रंग की है, जब भी हल्दी घाटी कहते हैं इसको है। हाँ भाई लग तो हल्दी जैसी है। पिछले दिन मैं भी इसी युद्ध में था, बताऊँ कहाँ पे, मेरे को याद है, मेरे को सपने में आता है। हाँ सुन, ये घोड़े वाला नहीं है जो नहर कूद गया, नहर कूद रहा था इस तरह, मैं भी डर के नहर कूद गया था, डर के भाग गया था, लेकिन फिर वो सामने आके उधर खड़े ना, उधर मेरे को ठोक दिया था उन्होंने। पूरा उदयपुर दिख रहा है भाई यहाँ से, और अभी तक आप पूरा ऊपर गए नहीं है। हाँ मक्खियों का छत्ता, पर अभी पूरा गए नहीं है ऊपर इसके, अभी भी और ऊपर जाएंगे। जो इंस्टाग्राम पे शेर मैंने फिर दिया ना उनके लिए, ये देखो शेर को मार दिया जाता है यहाँ पे, इस साइड भी मार दिया जाता है, देखो शेर तो मरे पड़े। ये सस्ती फिल्मों का अजय देवगन, सस्ता अजय देवगन। दोस्तों पूरा महल घूम फिर के पार आ गए हैं एग्जिट पे, वैसे तो सारा ही कवर कर लिया, छोटा तो कुछ है नहीं, और पीछे दिख रहा है जल महल बाकी है मेरा तो अभी। वो जल महल पर आज नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज थक गए हैं, और बाहर जाके पहले तो खाना खाएंगे। जल महल सर बोटिंग से जा रहे हैं। हाँ बोटिंग से जा रहे हैं। ऑल ओवर सारा कवर कर लिया हमने, फैमिली और साथ रखेंगे। क्या हो गया भाई? है क्या हो गया? गोल हो गया, गोल हो गया, पिंडी पाट रही है दोस्तों, थकावट होगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैर थक गया मैं, ऐसे हो गया जैसे किसी ने तोड़ के फेंक दिया मेरे को। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, बुरी तरह थक गया हूँ मैं तो, थक गया भाई, इतना लंबा रूट और सबसे पेड़ियाँ ऊपर नीचे जाने के आपने देखा होगा ब्लॉग में, और लगभग सारा कवर कर लिया, दो घंटे से ट्रैक ही कर रहे हैं। पहले से तो सारा कवर कर लिया, अब आगे का आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो हम आपको मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, ठीक है? अभी के लिए ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।